हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हुआ आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टार्टिंग कर रही हूँ लंच से। जी हाँ फ्रेंड्स, लंच निकाल रही हूँ। लंच वगैरह बन चुका है। तो लंच में मैंने आज बनाया है दाल चावल, आम पुदीने की चटनी, रोटी और सैलड में वही ककड़ी है। तो हमारी कोमल जी बोल रही थी कि ककड़ी जो होता है खीरा होता है। तो डियर, ककड़ी और खीरा दोनों एक अलग चीज़ें होती हैं, दोनों एक नहीं होती है। ककड़ी जो है वो लंबी लंबी इस तरह से होती है और खीरा जो है छोटा होता है, मोटा होता है। तो अगर आप पहले, मैं भी अभी ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहती थी बहुत सी चीज़ों में, बाद में धीरे धीरे सब पता चल गया क्या होता है कैसे होता है। तो खाना चलिए खा लेते हैं। तो खाना पीना होने के बाद मैं सो गई थी और ये सो के उठी हुई हूँ मैं, नींद से जागी हुई हूँ। सो के उठने के बाद मैं फ़ौरन आ गई हूँ चाय चढ़ाने। तो फटाफट से यहाँ चढ़ाएँगे चाय। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है दिन के जितने भी बर्तन निकले थे खाने पीने के, वो सारे बर्तनों को भी मैं इसी टाइम पे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उधर चाय भी मेरी बनती रहेगी, इधर मेरे बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे। एक पंत दो काज, एक ही समय पे दो काम मैं जो करके निपटा देती हूँ, मुझे ईजी रहता है। फिर मैं आराम से बैठती हूँ, बर्तन धुला धुलाया रहता है। तो हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सुबह से बात नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी। कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं, मतलब मेरे नाक में ना दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे सर्दी सा है कल रात से ही, तो इसीलिए मेरे नाक में बहुत दर्द हो रहा था और अभी भी दर्द हो रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर बर्रे छत्ता बनाई है, ये देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये एक दो। गर्मियों में ऐसे बर्रे लोग बहुत बना लेती हैं, मड टाइप का छत्ता बनाती हैं। बर्रे का ही छत्ता है ना ये, एक इस तरह होता है मिट्टी वाला, ये ठंडा रहता है, और एक जो वो झाला जाले वाले होते हैं वो वाला होता है। तो दोनों, ये वाला ज़्यादातर दिखता है घर में। तो मेरे घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, अपना घर बना लिया। अच्छा लगता है, बहुत सी बातें कही जाती है मधुमक्खी अगर अपना घर बनाती है घर पर। तो आप लोग क्या जानते हो बताना, अगर कुछ जानते हो के। तो चलो फटाफट चाय जो है बन गई वो पीते हैं। इसके बाद मैं अपने पैरों को मतलब थोड़ा क्लीन करूँगी, बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि मैं नंगे पैर ही चलती रहती हूँ, ये देखिए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा साफ़ कर लूँ इसको। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं किस तरह से ज़्यादातर अपने पैरों को साफ़ करती हूँ, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करती हूँ मैं जो क्या करती हूँ, सिंपल सा खाली जो सोप रहता है ना, सोप, वो भी जो बचा हुआ सोप रहता है वो जो है अपने पैरों में लगा लेती हूँ। और इसके बाद जो है मेरे पास जो कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है, उससे मैं रगड़ रगड़ के जितनी भी डर्ट, गंदगी, डेडी स्किन वगैरह होती है ना, वो सब चीज़ें मैं निकाल देती हूँ। और ये बहुत सिंपल और इजी तरीका है आपके फुट को साफ़ करने का, बहुत ही ईजिली अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाता है। आप देख रहे हो, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हो रही है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा पूरा मेरा फुट। तो देखिए फटाफट से मैं इसे रगड़ लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ।
मैं पैर भी दिखा रही हूँ कि देखो कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है मेरा पैर, और मुझे कोई भी दर्द भी नहीं हो रहा है। और ज़िंदगी में ना औरतों को भी थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम लोग इतना जो है लगे रहते हैं घर के कामों में, इधर उधर जो थोड़ा बहुत टाइम मिला तो आराम करने में बिता देते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम या संडे का टाइम बना लीजिए कि संडे का टाइम मुझे अपने लिए रखना है, अपने लिए सब कुछ करना है। लेकिन संडे का टाइम भी हम लोग दे देते हैं फैमिली को, क्योंकि फैमिली में ज़्यादातर लोगों को छुट्टी संडे को ही रहती है, तो इसीलिए फैमिली टाइम चला जाता है संडे को। लेकिन अपने लिए भी निकालना चाहिए थोड़ा बहुत टाइम, अपना भी देखभाल करना चाहिए। हम लोग ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपना देखभाल करना ही भूल जाते हैं, अपने को मेंटेन करना, अपने को अच्छे से रखना सब भूल जाते हैं। शादी से पहले मुझे याद आता है मैं पहले अपने को कितना मेंटेन करती थी, बहुत ज़्यादा मेंटेन करती, मैं कुछ लगाती नहीं थी लेकिन मेंटेन अपने आप को बहुत करके रखती थी। मतलब कुछ लगाती नहीं, मतलब लिपस्टिक, बिंदी, ये सब चीज़ें मैं पहले शादी से पहले नहीं लगाती थी। शादी से पहले सिर्फ मैं एक क्रीम लगाती थी, काजल लगाती थी, ये चीज़ मेरा रहता था बस। और लिपस्टिक, लिप ग्लॉस वगैरह ये सब तो कभी मैंने शादी से पहले लगाया नहीं था, जितनी भी चीज़ें सब शादी के बाद ही लगाई। बिंदी वगैरह हम लोग को मम्मी ये सब यूज़ ही नहीं करने देती थी। ऐसी थी मेरी ज़िंदगी, तो मैं भी क्या बैठ गई। तो चलो म्यूज़िक के साथ थोड़ा वीडियो एंजॉय करिए, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मेरे पापा जी जो है वो आए हुए हैं, तो पापा की तरफ से छोटी सी पार्टी जो है हो रही है, कोल्ड ड्रिंक और फुल्की, जीरा जल वाली फुल्की की पार्टी जो है पापा ने दी हुई है, छोटी सी लेके आए थे सबके लिए। तो बस वही खा पी रहे हैं हम लोग, सब लोग फट इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फैमिली कैसे हो, मतलब कैसे क्या हो, गुड मॉर्निंग, सुबह होगी, मैं सो के उठ गई हूँ, चाय बना के दे दी है, पापा भी मेरे आए हुए हैं, पापा को भी दे दिया चाय बना के। तो ये गए हैं ऊपर बैंक में, मतलब ऊपर गए हैं टंकी में पानी लगाने, तो वही चालू करने के लिए कहते हैं। और मैं जा रही हूँ रूम सही करने, क्योंकि रूम बहुत फैला हुआ है, फटाफट से सही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे झाड़ू टेबल पे मार रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो टेबल पे क्यों कर रही। तो फ्रेंड्स, टेबल पे भी जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह, और हम लोग रात में जो है मच्छर वाला जलाते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसके कारण मच्छर जो है मर मर के गिरे रहते हैं टेबल पे, तो इसको भी झाड़ना मुझे ज़रूरी रहता है रोज़ सुबह। और देखो मैं इसको भी इसीलिए झाड़ रही हूँ ताकि मच्छर सारे गिर जाएँ, और एक दो कागज़ के टुकड़े वगैरह भी निकली आते हैं। और यहाँ पे देखिए जल्दी से फटाफट से ज़मीन पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मॉर्निंग में सिर्फ एक बार झाड़ू ही लगाती हूँ, इसके बाद नहा लेती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बार बार अंदर बाहर करना पड़ता है तो गंदा हो जाता है रूम। जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं नाश्ता पानी करने के बाद, एकदम लास्ट में जब पतिदेव चले जाते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं, साफ़ सफ़ाई, फिर इसके बाद जो है मिलते हैं आपसे, पूछते हैं क्वेश्चन आंसर वाला सवाल।
का शरबत पीती हैं, समझे? शुगर का है तब? हाँ पीती हैं। बता दो करो और नुकसान करेंगे। उनको पसंद तो पीती हैं। नहीं अगर तुम्हारे वहाँ पर उनसे बताना कि हम बोले हैं लाखों मर्जी उनकी। बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हुई हूँ, तो चलो बात कर लेते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मैक्स मैक्स मुझे यहाँ पे जो है परेशान कर रही है, देखिए यहाँ बैठा है ये मैक्स, नहा लिया है। तो मैंने कल पूछा था आप लोगों से कि लंच में मैंने क्या खाया था, तो उसका सही आंसर है आलू पालक की सब्ज़ी और चावल खाया था। तो सबसे तेज़ जवाब जो है पूजा रौनक जी ने दिया है, तो यहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और आज का क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मेरे पापा जी ने किस चीज़ की पार्टी दी थी, क्या चीज़ थी जिसकी पार्टी पापा ने दी थी, ये आप लोग को लिख के बताना है। तो चलिए करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कहीं पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय मैक्स। मैक्स बाय, बोल बाय। मैक्स खाली ऐसे देखता है, बाय मैक्स, बाय बाय।